छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बच्चों का एक टीचर के प्रति लगाव ऐसा कि उनका ट्रांसफर होते ही गुस्सा फूट पड़ा और छात्राएं सड़क पर उतर आईं। स्टूडेंट्स ने कलेक्टोरेट का घेराव कर टीचर का तबादला आदेश निरस्त करने की मांग करने लगे। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ ने टीचर का प्रायोजित आंदोलन बताकर उल्टा छात्राओं को फटकार लगाना शुरू कर दिया। तब अपनी सफाई देते हुए छात्राएं फूट फूट कर रोने लगी। मामला सीपल इलाके के सरकारी गर्ल्स स्कूल का है। छात्राओं ने बताया कि उनके स्कूल में 9 व्याख्याता लेक्चर और 3 विज्ञान सहायक टीचर है। उनके साथ टीचर अजय कुमार ताम्रकार भी स्कूल में पदस्थ है, जो एक साथ 2 क्लास की जिम्मेदारी संभाल रही है और 5-5 पीरियड लेते हैं। उनके भरोसे ही बच्चों की पढ़ाई हो रही है, बाकी के टीचर अपने अपने हिसाब से क्लास लेते हैं। ऐसे में उनका तबादला अब कोटा ब्लॉक के चपोरा स्कूल में कर दिया गया है। वो पढ़ाते थे, उन्हें भी हटा दिया गया है। नेहरू चौक से कलेक्टोरेट पहुंची छात्राएं मेन रोड में भटक रही थी और कलेक्टर ऑफिस का पता पूछ रही थी। छात्राओं ने अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि तिमाही परीक्षा होने वाला है और स्कूल में पढ़ाने वाले इकलौते टीचर का बिना किसी वजह ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने इसकी जानकारी अपने पेरेंट्स को दी, तब उन्होंने कलेक्टर से शिकायत करने की सलाह दी। बच्चों ने कहा कि पेरेंट्स के कहने पर सभी यहाँ पर आई हैं।